चलो, हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इजक्वल टू 4। चलो, एक्साइट हो गया है और 4, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कोई लोग एक्साइटेड बोलता है, कोई लोग एग्जाइटेड बोलता है। हाँ भाई, बोल ले, कोई फ्रेंच आएगा, कोई अंग्रेजी आएगा, कोई देहाती आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं कौन क्या बोलता है। कोई पी यू टी को पुट बोलता है, तो इस हिसाब से बी यू टी बुट हो गया और सी यू टी कुट हो गया। ठीक है, तो अगर बी यू टी बट हो गया तो पी यू टी पट हो गया, तो सी यू टी कट हो गया। इसका इस दुनिया में किसी को नहीं पता भाई, ये फिजिक्स नहीं है, ये रटने वाली चीज़ है, अंग्रेजी है। ठीक है भाई, ये मैं बहुत, मतलब बहुत बेकार से लगता है मुझे ये चीज़। क्यों ऐसा पढ़ाते हो भाई, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। चलो, एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, कितना 4 में है। तो चलो, इसके दो मेथड मैं बताया था पहले भी, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो आप इसको कर सकते हो। और इसके मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, दोनों एक आसान मेथड है। तो पहला, अगर 4 में है तो फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट काउंट कर लो। फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट काउंट कर लो ट्रांजिशन के, एन इज इक्वल टू 4 में है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 में है, एक्साइट होके गया है, तो वो 1 में आएगा। तो 1 में कब आएगा और कैसे आएगा ये हमको नहीं पता भैया। ठीक है, कब आएगा कैसे आएगा हमको नहीं पता है। एवरेज ऑन 8 माइनस 8 सेकेंड में आ जाता है, और मैक्सिमम ट्रांजिशन या मैक्सिमम फोटोन इमिट होगा वो हमें यहाँ निकालना है, मैक्सिमम लाइंस। तो 4 में है तो 4 से तो डायरेक्ट 1 में कूद गया, डायरेक्ट 3 में भी कूद सकता है, डायरेक्ट 2 में भी कूद सकता है, डायरेक्ट 1 में भी कूद सकता है। हर एक ट्रांजिशन में एक फोटोन निकलेगी, एक लाइन निकलेगा, एक फ्रीक्वेंसी बनेगा, एक वेवलेंथ निकलेगा, एक ट्रांजिशन होगा। तो 1 2 3 4 हो गया। और अगर 4 से 2 में भी तो कूद सकता है, और 2 से 1 में भी तो कूद सकता है। तो मेरे बच्चों, ये 6 लाइंस हो गई, 6 फोटॉन्स, मैक्सिमम 6 फोटॉन्स इमिट होंगे, मैक्सिमम 6 लाइन बनेगी, 6 वेवलेंथ होंगे, 6 फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से 6 फोटॉन्स आ सकते हैं। दूसरा है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट में उसको आना है, तो ग्राउंड इट्स, अगर हाँ, यहाँ से एन से 4 में कहाँ आना है, ग्राउंड स्टेट में आना है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है, n-1/2 होती है। तो 4 में था तो 4-1/2, दैट इज 6। तो ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो ग्राउंड में नहीं आता, कहीं और आता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ये एडिशनल है आपके लिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है, n1-n2+1 और n1-n2 और n/2। ये फार्मूला कब लगाओगे? मान लो N1 पहले N1 10 में था, और 10 से N2 इज इक्वल टू 7 में आ गया, या N2 इज इक्वल टू 2 में आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर लो, N2 10 से 2 में आ गया। तो थोड़ा काउंट, जब नंबर ज़्यादा होगा तो काउंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। ग्राउंड में नहीं आया, ग्राउंड में आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे यार। ठीक है, तो ये ग्राउंड में नहीं आया, तो ग्राउंड में नहीं आया तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर N2 की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा। कहीं बीच में आ गया तो कितनी लाइंस, कितने फोटॉन्स, कितने ट्रांजिशन होंगे, ये लगाओगे। ठीक है, चलो, ये दो मेथड में बता दिया। इन टर्म ऑफ बोर रेडियस आर नॉट, अगर बोर रेडियस को मैं ए नॉट लूं, द रेडियस ऑफ द सेकेंड